नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 24। सोनपुर मेला या यूं कहें कि हरिहर क्षेत्र का मेला, अक्सर यहां के लोग इसे छत्तर मेला के नाम से भी जानते हैं। आपको बता दें कि 2 साल बाद ये सोनपुर मेला फिर से भव्य तरीके से आयोजन होने जा रहा है। आपको बता दें कि ये छत्तर मेला का कहानी ये है कि यहाँ सबसे पहले जब मेला लगा करता था तो यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य, या यूँ कहें कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अकबर, अकबर के बाद बाबा वीर कुंवर सिंह, ये सभी यहाँ आते थे और जंगी हाथी, जंगे घोड़े का खरीदारी करते थे यहाँ से। लेकिन अब जो है ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बन गया है और ये एशिया में सबसे बड़ा पशु मेला के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें कि रॉबर्ट क्लाइव ने 1803 ईस्वी में यहाँ घोड़े और हाथियों का अस्तबल भी बनाया था। ये भी जान के आपको हैरानी होगी कि ये ऐसा बाजार है, ऐसा मेला है जहाँ लड़कियों की भी खरीद फरोख्त की जाती है, जहाँ लड़के के सगे संबंधी, लड़कियों के सगे संबंधी जो है उन्हें खरीद झांसे में देकर लाकर और शादी के नाम पर यहाँ बेचते हैं। ये आज कोई छोटा मोटा पशु मेला नहीं है बल्कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है और इसका वजह भी साफ है क्योंकि बगल में ही आपका हरिहर नाथ मंदिर है, जो हरिहर नाथ मंदिर का इतिहास ये रहा है कि यहाँ हरि और हर दोनों का वास होते हैं और इसी के समीप सोनपुर में ही एक भव्य सोनपुर मेले का आयोजन किया जाता है। आपको बता दें कि 2 साल पहले यहाँ सुशील कुमार मोदी, जो तत्कालीन उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आकर इस सोनपुर मेले का उद्घाटन किया, लेकिन अब सरकारें बदल गई हैं, अब बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है और अब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं जो आज फिर से सोनपुर मेला का उद्घाटन 2 साल बाद करने वाले हैं। जैसा कि जानकारी है कि 4:00 के करीब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आएंगे और वो इस सोनपुर मेले का उद्घाटन करेंगे। आप इसकी भव्यता देख सकते हैं कि सोनपुर मेला में तेजस्वी यादव जिस जगह पे आकर उद्घाटन करेंगे, यहाँ लोगों के बैठने की समुचित व्यवस्था की गई है और आप बाहर में देख सकते हैं कि हर प्रकार से पूरी तरह से बाजार सज चुका है। यहाँ लड़कियों के नाच का जो कार्यक्रम करवाया जाता है, डांस ऑर्केस्ट्रा, ये सब सारी चीज़ की व्यवस्था की गई है। काफ़ी दुकानें सज गई हैं। घोड़ा बाजार, गाय बाजार या हाथी बाजार की बात की जाए तो सारे बाजार में घोड़े हाथी भर गए हैं और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि यहाँ अब घोड़े और गाय ये सब की बिक्री होती है लेकिन हाथी की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। रोक लगा देने के बावजूद यहाँ हाथी आया करते हैं और हाथी सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ हाथियों का जो युद्ध कौशल देखने को मिलता है, प्रदर्शनी जो होते हैं उसी को दिखाने के लिए यहाँ अपने अपने हाथियों को लेकर आते हैं और यहाँ प्रदर्शनी कराते हैं। बहरहाल आपको बता दें कि लगभग 2 साल बाद बिहार में फिर से एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, जो कहा जाए सोनपुर मेला, का आज उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा किया जा रहा है, जिसकी देख लीजिए कि कितनी विविध व्यवस्था चाक चौबंद के साथ किया गया है। काफ़ी पुलिस प्रशासन यहाँ पे भरे हैं और सभी अपनी व्यवस्था को देख रहे हैं कि किसी प्रकार के कोई अनहोनी घटना ना हो जाए, क्योंकि देख सकते हैं कि सामने ही यहीं आपके बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आकर और उद्घाटन करेंगे और इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या जो है बैठने का है दर्शकों का, कि वो इस उद्घाटन के में शरीक होकर और इस उद्घाटन के साक्षात देखने वाले बने, क्योंकि ये मेला जो है वाकई कई मायनों में अलग है, अद्भुत है और इसी का परिणाम है कि ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। इस तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ प्लस 24। धन्यवाद।